他们。<music> به ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له व अशदमदन अब्दूरसूल समाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अजो जल के ख़ुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता हम गवाही देते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ़ अल्लाह है और उसका कोई शरीक नहीं और गवाही देते हैं कि महमद्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर और उनके अहल आयाल पर और उनके सहाबा पर असलकम वरम् व अरकान ईमान का चौथा रुकन फोर्थ पिलर रसूलम पर ईमान रसूलम पर ईमान भी चार चीज़ों से लाया जाता है अल्लाह के ख़ास बंदे हैं पहला दूसरा बुनियादी दावत तोहद इबादत है तीसरा ख़ास नामों से उनकी पहचान है और चौथा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है कोई भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर रसूलों पर ईमान नहीं लाता है वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है उसकी दलील में बकरा की आयत नंबर 177 है लिर अंतुल वजू हकमशर इब अलमरब सारी अच्छाई मशरक़ व मग़रब की तरफ मुँह करने में नहीं है वला किन्नल बिर्र मन आमन बिल्ला वल आख़िरी आखरी, वल किताबी वन नबी बल्कि हकीकता अच्छा वो है जो अल्लाह ताला पर परमत के दिन पर फ़रिश्तों पर किताब अल्लाह पर और नबियों पर ईमान रखने वाला हो ये दलील है कि हमको रसूलों पर ईमान लाना है हम कैसे ईमान लाए अम्बियाँ पर हम कैसे ईमान लाए पे यानी सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं बल्कि बेहतरीन बंदे हैं अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है पूरी कायनात में पूरे बशर में से अल्लाह ने उनको चुन लिया है अल्लाह के बंदे हैं और ऐसी बंदगी की उसकी इंतहा दिखा दी सारी दुनिया को ऐसी बंदगी किसी ने नहीं की और ज़िंदगी सारी अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह ताला की बंदगी करते अल्लाह की ही इबादत करने और ये है तोहिद इबादत यानी अल्लाह की इबादत करने की तरफ ही सारे अम्बिया ने पूरे उम्मतों को यानी पूरे लोगों को बशर को तोहेद की तरफ दावत दी और उसी की इबादत की तरफ बुलाया दूसरा सारे अम्बिया सलाम मासूम हैं अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज किया है हर कबीरा से वो कभी कोई कबीरा गुनाह नहीं करते और दीन के मुतालिक कभी कोई गलती नहीं करते तीसरा अम्बिया आलम बशर है नूर नहीं है और आदम सलाम के औलाद में से है चौथा सारे के सारे अम्बिया मर्द थे उनमें कोई भी औरत नहीं थी पांचवा हर नबी पर अल्लाह ताला की तरफ़ से वही नाजिल हुई यानी वही की दो किस्में हैं जो नाजिल हुई है हर नबी को अल्लाह ताला ने किताब व सन्नत की वही की अल्लाह का कलाम यानी अल्लाह ताला के कलाम की शक्ल में और दूसरी जो है हदीस की शक्ल में अल्लाह ताला ने वही नाजिल की है जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना अलैकल किताब व हकम किताब यानि अल्लाह यानि कुरान मजीद हिकमत यानि हदीस यानि सुन्ना हर नबी ने अल्लाह की वही पैगाम यानि अल्लाह के वही को पैगाम को लोगों तक बेहतरीन तरीक़े से पहुंचा दिया है उसमें ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं की और हर नबी ने अपनी उम्मत को हर खैर की ख़बर पहुंचा दी और हर शर से आगा किया और हर अम्बियाँ अल्लाह के सबसे बड़े फर्मा बरदार हैं उनसे बढ़कर कर फर्मा बरदारी करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ वो कभी जुल्म नहीं करते कभी बदकारी नहीं करते गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते वो कभी बद अखलाक़ी नहीं करते क्यों क्योंकि अल्लाह ने उन्हें रमतुल्ल आलमीन बना कर भेजा और अम्बिया आलम सारे के सारे वफात पा चुके हैं इस दुनिया से उनका तल्लु ख़त्म हो चुका है अल्लाह ताला के ख़ास बंदे हैं अल्लाह ताला, ताला ने उनको ख़ास चुना है अपना अजीम पैगम पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला, ताला फरमाते हैं अल्लाह यस्तफ़ी मिनलमलायक रसूलम व मिनन्नास इन समय उम फ़रिश्तों में से और इंसानों में से पैगाम पहुंचाने वालों को अल्लाह ही छांट लेता है बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला देखने वाला है सूरह हज आयत नंबर सेवेंटी फ़ाइव सिवाय एक नबी के इसाले सलाम के अल्लाह ताला ने उन्हें इस ज़मीन से ज़िंदा उठा लिया अल्लाह ताला की तीमत है उनकी खल्क़ एक ख़ास तरीक़े से हुई उनका कोई बाप नहीं था बग़ैर बाप के पैदा किए गए कन फयकून के कलमे से वो फिर दुनिया में दोबारा आएंगे नबी भी होंगे उम्मती भी होंगे नबी क्यों असल में वो नबी थे और उम्मती होंगे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने इंजील पर अमल नहीं करेंगे कुरान मजीद पर अमल करेंगे और बुनियादी दावा तोहद इबादत है और सब रसूलों की बुनियादी दावत तोहिद इबादत है अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकत बासना कुल्ली उम्मतिर रसूला अन अकबूल वशतनब तऊत यानि हमने हर उम्मत में रसूल भेजा के लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तमाम मबुदों से बचो तो सूर् नहल आयत नंबर थर्टी सिक्स सारे के सारे अम्बिया सलाम अपनी कौम के लिए ख़ास भेजे गए सिवाय मोहम्मद अलैहि वसल्लम के मोहम्मद अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए जिन वो इन सब के लिए भेजे गए हर नबी ने दज्जाल से आगा किया कि दज्जाल का फितना आएगा हम तुम्हें ख़बरदार कर रहे हैं दज्जाल की निशानियां भी बताई अपनी कौमों को और सबसे ज़्यादा तफसील नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हदीस की किताबें उठाकर देख लीजिए तफसील मौजूद है दज्जाल किस कौम में निकलेगा कहाँ निकलेगा उसकी क्या क्या निशानियाँ हैं कौन सी कौम उसकी पैरवी करेगी कहाँ उसका ग़लबा रहेगा कितना अरसा रहेगा कहाँ पर उसका फितना ज़्यादा रहेगा किस शहर में जा सकता है किस शहर में नहीं जा सकता कहाँ पर उसकी मौत होगी और कहाँ उसे मारेगा ये सारी की सारी तफसील हदीस की किताबों में मौजूद है हर नबी ने अपनी उम्मत को जन्नत की बशारत दी और जहन्नम से आगा किया नबी की फरमा बरदारी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी है नबी की नाफरमानी अल्लाह की नाफ़रमानी है ये सारे के सारे हकायक है सारी की सारी उम्मत का इस पर इतफ़ाक़ है अल्हम्दुलिल्लाह यानी सारे लोग का इतफाक़ है कि ये नबी की फर्माबरदारी है अल्लाह की फर्मा बरदारी है, है हर नबी ने सबसे पहले क्या दावत दी तो ही की दावत दी कौन सी तोहद तो इबादत यानी अब्लाशत नबुदता यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और इसके सिवा तुम तमाम मबूदों से बचो यानी तागुत से बचो मबों से बचो यानी गैर अल्लाह की इबादत से बचो और नबी और रसूल में फ़र्क क्या है नबी हमेशा अपने से पहले की शरियत यानी उस पर अमल करते थे और नई शरियत नहीं लाते थे यानी नबी मोमिनों के लिए भेजे जाते थे हैं और रसूल नई शरियत लाते थे ये कल में तो तौ, तोहद के लेक्चर में इसके बारे में डिटेल्स है वो भी अगर आप देख लें तो उसमें अंदाज़ा हो जाएगा इन यानी रसूल नई शरीयत लेकर आते हैं यानी मुशरक़ों की तरफ भेजे जाते हैं ये एक नया पैगाम लेकर आते हैं ताकि लोगों को दोबारा शिरक से निकाल के तोहद की तरफ ले आए ये मुजमल ईमान है अब ये मुफसल ईमान देखिए अब जिन जिन नबी के नाम हम जानते हैं जिनके नाम हमें मालूम है वो पच्चीस है जिनका जिक्र कुरान मजीद में हुआ यानी ख़ास नामों से इनकी पहचान है जिन रसूलों के नाम साबित हैं कुरान मजीद में और सही अहादीस में हमारा ईमान है इन नामों के साथ रसूलों पर अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा व इज़ अखजना मिनन नबी यी न मीसा का हम व मिन क व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा वीसब न मरियम व अख़जना मिन हम मीसा क़न ीज़ा जबकि हमने तमाम नबीओ से अहद लिया और बिलखसूस आप से और नू से और इब्राहिम से और मूसा से और मरीम के बेटे ईसी से और हमने इनसे हमने इनसे पक्का और पुख्ता अहदलिया सुर आयत नंबर सेवन में है इन पांच रसूलों को कहते हैं अज़म रसूल यानी नूसम इब्राहीम सलाम मऊा सामिस सहम्म मुस्तफ़ी सल्हलम इनके अलावा हमूमी तौर पर हर रसूल पर ईमान लाते हैं चाहे इनका नाम लेकर अल्लाह तुरान में जिक्र किया है या नहीं अल्लाह तरमाते हैं व रसूल कद कसस नाहम अलैक् मे नब्ल व रसूल नखसैक् वक्लीमा और आपसे पहले के बहुत से रसूलों के वाक़ा हमने आपसे बयान किए हैं और बहुत से रसूलों के नहीं भी किए यानी हम बहुत से रसूलों के नाम बयान भी किए हैं और नहीं भी किए हैं और मुसा आलाम से अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर कलाम किया सूरह नसा आयत नंबर 164 अंबिया फ़ोर अम्बिया सारे अफज़ल है कोई शक नहीं है लेकिन इन सब से ज़्यादा अफज़ल है रसूल और रसूलों से ज़्यादा अफजल है पांच उलुल अज़म यानी नूह आ सलाम इब्राहीम मऊसी सलाम ईसा सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पांचों में दो ज़्यादा अफजल है खली दो खलील है यानी अल्लाह ताला के खलील कौन है इब्राहीम और मोहम्मद सल्ला खलील कहते हैं कुल्लत जो के अरबी ज़बान में मोहब्बत का एक दर्जा है एक लफ्ज़ का अपना माना है यानी मोहब्बत के मायने अरबी ज़बान में दस है कुल्लत सबसे आखिर में है यानी सबसे बुलंद दर्जा है कलत का खलत का मतलब है दिल के अंदर उसके माँ सिवा किसी के लिए जगह नहीं दिल उसकी मोहब्बत में भर गया किसी और की जगह ना रही ये खुलत है तो खुल दो है इब्राहिम और मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम और सबसे अफसल मोहम्मद अलैहि वसल्लम जिन्हें ताला ने रहमतल आलमीन बनाकर भेजा और आखिरी रिसालत और आखिरी नबी बना दिया इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला इनकी रिसालत के बाद कोई रिसालत आने वाली नहीं मोहम्मद वसल्लम आखिरी रसूल हैं अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं वक़ूनों फी उम्मती कज़ाबूना सलासूना कुल्लु यज़ुम अनहु नबीयन व अना ख़ातुमन नबीन और बेशक मेरी उम्मत में तीस झूठे पैदा होंगे हर एक का यही दावा होगा कि वो नबी है लेकिन हकीकत यह है कि मैं खातमन नबी यूँ हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा नबी या बादी, यानी मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा अबू दाऊद की हदीस ये जिसने भी ये शक किया कि रसूल अलैहि वसल्लम के, के बाद कोई नबी आएगा तो ऐसा शख्स यानी ऐस, ऐसा शख्स काफिर है अजब बात यह है कि इन वाज़ दलाइल होने के बाद भी एक शख़्स कहता है कि खातिम से मुराद अंगूठी है और ला नबी की बादी में ला को कहता है कि ला एक शख्स का नाम है इन्ना लीला ही इ ही राजून अगर कोई शख्स सिर्फ़ ये तसवुर रखता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्हलम के बाद भी कोई रसूल आएगा तो वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वलम पर ईमान लाने के तकाजे क्या है जब हम ये कहते हैं कि मोहम्मद सल्ला वम तो ये लफ्ज़ हम से क्या तकाज़ा करता है हम पर वाजिब है कि हम ख़बर की तस्दीक करें जो भी ख़बर इन्होंने दी है उसकी तस्दीक करना है और रसूल अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महदी अलैहि सलाम आएंगे, याजूज और माजूज आएंगे ईसा इब्ने मरियम आएंगे तो हम कहते हैं आमनना सदखना हम ईमान लाए और हमने तस्दीक की सर झुका के तस्लीम करना हमारा काम है क्योंकि खबर देने वाले सच्चे है। ख़बर हैं खबर की तस्दीक के मुतल अल्लाह ताला फरमाते हैं व कौम नू हिल्मा कबसला अरक ना हम व जल ना हम ल नासी आया व आतना अजाबन अलीमां और क़ौम नू ने भी जब रसुलों को झूठा कहा तो हमने इन्हें गर्व कर दिया और लोगों के लिए इन्हें निशान नशान इबरत बना दिया और हमने ालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा सूर फुरखान के आयत नंबर थर्टी सेवन कौम नुओ के लिए कितने रसूल भेजे गए थे एक ही भेजे गए थे नुसम जो पहले रसूल थे तो ये कायदा है कि जिसने एक रसूल को छुटलाया गोया उसने सारे रसूलों को छुटलाया क्योंकि सब का बुनियादी पैगाम क्या था एक ही था तो इबादत तो हुक्म की तामील करना है जिस चीज़ का हुक्म दिया गया इस उस हुक्म की फ़ौर तामिल करना है अल्लाह ताला फ़रमाते हैं वमा आता रसूल फ़ुज़ु और तुम्हें जो कुछ रसूल दे ले लो सूर हशर के आयत नंबर सेवन है अबी हुरेरा कौल रसूल सल वसम माँ अमरतुकुम बही फ़ुज़ु व मा नहीं तुकुम अनहु फ़न तु सैदना अबू हुर रदल्ल तहों से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दो हुक्म दूँ उसको बजा लाओ और जिससे रोकूँ इससे रुक जाओ इबन माजा की हदीस है ये। एक ग़लत फहमी है का इजाला है बाज़ लोग इस आयत वमा अता रसूलुफ़ु कि तफसीर में ये कहते हैं कि इससे पता चलता है कि रसूल अलैहि वसल्लम देते हैं तो इसलिए उनसे मांगना जायज़ है मगर ये बात सही नहीं है ये दुरुस्त नहीं है इस आयत की तफसीर इस हदीस से हो जाती है जिसमें अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फ़रमाया मा अमर बिही कम वमां नई तो कुम अनहू फंत यानी मैं जिस चीज़ का तुम्हें हुक्म दूँ उसे तुम ले लो यानी इस हुक्म की तामील करो और जिस चीज़ से रोक दूँ इससे रुक जाओ तो इस हदीस में वजाहत है कि इससे मुराद अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है ना कि आप वसल्लम कुछ तलब करना या मांगना है यानी अलैहि वसल्लम से कुछ भी मांगना या तलब करना नहीं है हुक्म जो देते हैं उसको मानना है और जिस चीज़ से रोकते हैं उसको उससे रुकना है और नहीं से रुकना यानी नहीं से रुक जाना यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं नहाकुम अनहु फंतहु हो यानी जिससे रोके रुक जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर इबादत करना अल्लाह फरमाते हैं व व रसूल लालकुम तुरहोन और अल्लाह और रसूल की फरमाबर्दारी करो ताकि तुम पर रहम किया जाए सर इमरान वन हंड्रेड एंड थर्टी टू और रसूल अल्लाम फ़रमाते हैं मन अहदसा फ़ी अमरीना हाजा मा लई सा मनू फ़हू जिसने भी मे जिसने भी कोई नई चीज़ हमारे इस अमर यानी इस दीन में निकाली जो इसमें से नहीं है तो वह मरदूद है यानी जो रसूल दिए वो लेना है जो रसूल जिस चीज़ से रोके यानी रसूल की इताद करना और अल्लाह की इताद करना दोनों की इताद करना है और अल्लाह ताला ख़ुद फ़रमा रहे हैं कि वती व अति रसूल लालकुम गुम तो हमको इताद करना है और अल्लाह से ये भी दुआ करना है कि अल्लाह ताला हमको इताद गुजार और फरमा बरदार बना दे और रसूल का इताद गुजार और फरमा बरदार बना दे और हम पर अल्लाह ताला रहमत के दरवाज़े खोल दे और हिदायत के रास्ते खोल दे हमारे लिए हिदायत के रास्ते पर चलना आसान कर दे और शैतान से हमारी हिफाजत फरमाए सुबहना रबी का रब्ज़त यसिफ़ून वसलमसलीमदिल्ल रबीआलमिन सुबहानल्लम हमदी का नशःद नस्तक फ़िरका व नतुबू लेख अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें